स्वागत है आपका हमारे चैनल हिम आयुर्वेद में। आज हम बात करेंगे कैसे जीभ के रंग से जान सकते हैं अपने शरीर की इन बीमारियों के बारे में। जीभ यानी जुबान जो आपको स्वाद का आभास कराती है, सिर्फ स्वाद पर ही इसकी पकड़ नहीं बल्कि आपकी सेहत से जुड़े राज भी यह जानती है। जी हाँ, जीभ के रंग के आधार पर आप भी जान सकते हैं कि आपकी सेहत ठीक है या नहीं, और अगर नहीं है तो आपको समस्या क्या है, जानिए जीभ के रंग से इन समस्याओं के बारे में। सबसे पहले तो आप यह जान लें कि अगर आपकी जीभ सामान्य रूप से गुलाबी या नमी युक्त है तो यही सबसे बेहतर है। इसके अलावा जीभ पर किसी भी तरह के दाग धब्बे ना होना भी आपके स्वस्थ होने की ओर इशारा करते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अलार्म वाले बटन को भी प्रेस कर लें ताकि इससे संबंधित नई नई जानकारियां आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। आइए अब बात करते हैं विस्तार से। अगर आपकी जीभ का रंग गहरा यानी लालपन लिए हुए है तो यह आपके खून में गर्मी की ओर इशारा करता है। किसी भी तरह का इन्फेक्शन, चोट या फिर बुखार होने पर भी जीभ का रंग गहरा हो जाता है। दोस्तों, अगर जीभ में पर्याप्त नमी नहीं है और सूखापन होने के साथ ही हल्का पीलापन नजर आता है तो यह थकान, आंतों की सूजन, कमजोरी या अनिद्रा के लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा पीलिया भी इसका एक कारण हो सकता है। अगर आपकी जीभ किनारों पर ज्यादा लाल है और बीच में सामान्य तो यह आंतों में खराबी या किसी प्रकार की समस्या का संकेत हो सकता है। इसके अलावा जीभ का आगे के भाग में लाल होना मेनोपॉज या मानसिक परेशानी के लक्षण हो सकते हैं। अगर आपकी जीभ पर सफेद या पीले रंग की मोटी परत जमी हो तो यह सर्दी, वायरल इन्फेक्शन या शारीरिक गर्मी का संकेत हो सकता है। वहीं सफेद परत किसी प्रकार का इन्फेक्शन भी हो सकता है। जीभ पर सफेद छाले या लाल घाव। अगर जीभ पर सफेद छाले हो गए हैं या गहरे लाल रंग के छोटे छोटे घाव दिख रहे हैं तो ये पेट की गड़बड़ी का संकेत हो सकते हैं। हमारी जुबान का सीधा संबंध हमारे पेट से होता है, इसलिए पाचन की गड़बड़ी का परिणाम कई बार हमारे जीभ पर लाल और सफेद छालों के रूप में दिखता है। इसके अलावा ये हर्पीज नाम की गंभीर बीमारी का भी संकेत हो सकते हैं, इसलिए अगर ये छाले सामान्य उपचार से या अपने से एक सप्ताह तक ठीक नहीं होते हैं तो डॉक्टर से जरूर संपर्क करना चाहिए। सफेद परत आ जाना। जीभ पर सफेद रंग की छीनी परत आम बात है और ये जीभ के स्वस्थ होने के लक्षण होते हैं। ये एक तरह की फफूंद होती है जिसे कैडिडा कहते हैं और इससे जुबान का कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, लेकिन अगर ये रंग हल्का पीला हो जाए या इसकी परत मोटी हो जाए तो ये ईस्ट इन्फेक्शन के लक्षण हो सकते हैं जो कि जानलेवा भी हो सकते हैं। इसमें कैडिडा ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस हो जाती है। कई बार एंटीबायोटिक दवाओं के ज़्यादा इस्तेमाल से भी जुबान पर ये परत अपने आप जम जाती है। असल में एंटीबायोटिक दवाइयों से बैक्टीरिया मर जाते हैं लेकिन ईस्ट रह जाते हैं और वो शरीर में बैक्टीरिया की जगह लेने लगते हैं, इसलिए ये परत जुबान पर आ जाती है। कई बार ये इम्यूनो सिस्टम की कमजोरी भी हो सकती है। लाल रंग के छाले जैसे उभार। जीभ के नीचे या ऊपर लाल रंग के उभार कैंसर का संकेत हो सकते हैं। इन उभारों की शक्ल जुबान पर होने वाले छालों जैसी ही होती है, लेकिन ये उनसे थोड़ा बड़े होते हैं। इसके अलावा मुंह से सामान्य छाले ज़्यादा से ज़्यादा 2 सप्ताह में खुद ही ठीक हो जाते हैं। अगर ये छाले नुमा उभार 2 सप्ताह तक ठीक नहीं होते हैं तो आपको बिना देरी किए डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। दोस्तों, यदि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वह भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। आज के एपिसोड में बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।